हेलो वन दिस इज आसिफताज एंड वेलकम बैक टू द फ्लटर ब्लॉक पैटर्न मास्टर कोर्स आर क्लिन कोरिंग आर्किटेक्चर एंड इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एक एक लॉगन ए पी आई जो कि हम आगे जाके इंप्लीमेंट करेंगे हम उसको टेस्ट करेंगे एंड हम उसको टेस्ट करने के बाद उसमें से जो रिस्पॉस आता है हम उसको एनालाइज करेंगे कि इसका रिस्पॉस क्या आ रहा है इसमें किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं और किस टाइप का और जो सक्सेसफुल रिजल्ट होगा वो क्या होगा एंड उसके बेस के ऊपर फिर हम एक मॉडल जी जेनेट करेंगे ठीक है यूजर्स का मॉडल उसको हम कहेंगे यूजर्स का मॉडल बिकॉज लैट से जब कोई यूजर लॉग इन करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और फ्यूचर में जाके हम उसको फिर सिक्योर स्टोरेज में स्टोर करेंगे और उसका सेशन भी मैनेज करेंगे लेकिन सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडल क्रिएट करेंगे और एपीआई के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे ठीक है सो so, आपने मेरे साथ फॉलो करना है अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल फेसबुक का ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं ओके, okay, so सबसे पहले जो हम लॉगिन एपीआई यूज़ करेंगे करेंगे उसके लिए प्लेटफॉर्म पर आने के आपने पे आ जाना है जब आप, इस, ए, ए, जब आप यहां पर आएंगे तो आपके पास ये वाली एपीआई मिल जाएगी ठीक है जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा लेकिन ये क्योंकि गेट एपीआई इसलिए आपको इस तरह से मिल रहा है इसको आपने कॉपी करना है पोस्टमैन सॉफ्टवेयर ओपन करना है ओके के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ यहां से आपने इसकी जो टाइप है वो है पोस्ट ठीक है जिनको एपीआई के बारे में नहीं पता वो जाके बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं मेरी एपीआई के कोर्स से ओके सो so यहाँ पर आपने पोस्ट एपीआई में इसको पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद यहां पर देखें तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड और ये जेसन स्ट्रक्चर में होगा ठीक है एंड मेक श्योर करें कि यहां पर देखें पेरेंट्स ऑथराइजेशन हैडर्स बॉडी है बॉडी में फिर ये देखें रा फॉर्म में हम भेज रहे हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर आके इसको इस तरह से पेस्ट कर देना ठीक है देन आपको ये ईमेल और पासवर्ड कहा से मिलेंगे वो आपको इनकी वेबसाइट्स जो कि मैंने आपको बताई है यहां से आपको मिलेंगे देखें ये ईमेल एंड ये पासवर्ड ठीक है जब आपका ईमेल और पासवर्ड करेक्ट होगा देन आप इस एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे ओके और यहां पर देखें आपके पास एक जेसन रिस्पॉन्स आया है जिसकी जिसका की का नेम है टोकन तो जब यूजर लॉग हो गया तो आपको यूजर का टोकन मिल चुका है ठीक है लेट से आप ई मेल यहाँ पर गलत इंटर करते हैं एंड जब आप जब आपने ई मेल गलत इंटर किया तो यहाँ पर देखें आपके पास इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो है यूजर नॉट फाउंड एरर ओके एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट देखें तो यह फोर हंड्रेड ठीक है एंड आप इसको दोबारा करेक्ट कर दें तो यहां पर देखें आपके पास जो स्टेटस है वो टू हंड्रेड है एंड देन टोकन आ रहा है ठीक है अब हमें पता चल गया है कि यूजर का जो हमारे पास मॉडल बन रहा है वो है सक्सेसफुल होगा तो टोकन आएगा वरना एरर आएगा ठीक है तो अब हम इसका मॉडल बनाएंगे और मॉडल जो हम बनाएंगे वो हम यूज करेंगे फ्रीज को ठीक है जिन लोगों को फ्रीज के बारे में आइडिया नहीं आ रहा वहां स्क्रीन के ऊपर देखें मैंने स्क्रीन uh, शॉट आ रहा होगा मैंने बहुत डिटेल में फ्रीज के बारे में सिखाया आप वहां से फ्रीज के बारे में सीख सकते हैं या अपने ऑल ऑलरेडी आपको फ्रीज के बारे में आइडिया है तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं ठीक है अब आपको याद हो आप अपने प्रोजेक्ट में चले जाएं तो यहाँ पर मैंने आप आपको दो पैकेजेस ऐड किए थे एंड वन वाज फ्रीस्ट एंड वन वाज फ्रीज एनोटेशन ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज में यहाँ पर आपके पास एक बिल्ड रनर था और एक था जेसन सीरियलाइजेशन ठीक है तो ये क्या करता था ये फ्रीज से हम मॉडल बनाएंगे ओके एंड यहाँ पर बिल रनर और जेसन सीरियलाइजेशन से आपके पास कोड जनरेशन होगी ठीक है कोड जनरेट होगा ठीक है और वो किस तरह से होगा वो अभी आपको सारा यहाँ पर पता चल जाएगा ठीक है अब हमने क्या करना है हमने यूजर का मॉडल बनाना है तो हम आ जाएंगे डायरेक्टरी में और यहाँ पर हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे मॉडल्स और मॉडल्स में हमें पता है कि ये यूजर का मॉडल है तो एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे यूजर ओके बिकॉज फ्यूचर में और भी मॉडल यहाँ पर ऐड um, होंगे तो मैं यहां पर डायरेक्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे यूजर अंडरस्कोर मॉडल ठीक है अब यहां पर यूजर मॉडल अंडरस्कोर मॉडल यहां पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे और उसको आप नेम देंगे यूजर ओके अंडरस्कोर मॉडल डॉट जी ओके एंड ये आगे इसके साथ डाट डॉट एड कर देगा देन आपने एक और क्लास क्रिएट करनी है और उसको आप नेम देंगे यूजर अगेन सेम मॉडल डॉट फ्रीज डॉट ओके डॉट फ्रीज आगे वो डॉट खुद ऐड कर देगा एंड मेक श्योर करें कि ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो फ्रीज और ये जो यूजर मॉडल है ये ये सेम होना चाहिए जो कि आपकी पेरेंट क्लास का नीम है वर्णा आपके पास मॉडल नहीं क्रिएट होगा ठीक है अब आपने क्या करना है यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना आपने अपनी जो क्लासेस यहाँ पर एड की हैं उसको इसका पार्ट बना देना यूजर ठीक है यहाँ पर ठीक है इससे क्या होगा कि आगे जो हम कोड जनरेट होगा ना वो तो इन दो क्लासेस के अंदर होगा जो एक्स्ट्रा कोड जनरेट जनरेट होगा जिससे हमारा कुछ लेना दोना नहीं है ठीक है सो यूजर और ये फ्रीज ठीक है ये दो आपकी क्लास का पार्ट बन गए यहां पर अब देखिए आपके पास स्टिल एरर आ रहा है तो आपने यहां से कर लेना है फ्रीज को इंपोर्ट कर लेना है ठीक है फ्रीज को इंपोर्ट करने के बाद ये एरर्स आपके पास आएंगे बिकॉज अभी अभी तक तक इनके इनका जो कोड है वो ऐड नहीं हुआ ठीक है सो so आप यहां से इनको फिलहाल कॉमेंट कर दें ओके okay? जब हम कोड जनरेट करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे अब हम ना मॉडल बनाएंगे यूजर का यूजिंग फ्रीज ठीक है यूजिंग फ्रीज वो उसकी उसका वो, वो बड़ा सिंपल है आपने यहां पर आके इनोटेशन यूज करनी है हम चले क्लास क्लास यूजर मॉडल ओके और यहां पर हम आ जाएंगे एट द रेट ये देखें ये आपके पास आ रही है ठीक है फ्रीज और यहां से आपके पास इसकी क्लास भी इंपोर्ट होगी ठीक है थीक्या? और अब यहां पर विद इसका जो इसका जो सेंटेक्स है ना वो इस तरह से है। आप बहुत अगर आप इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो अगेन मैंने वो आपको वीडियो बताइए वहां से सीख सकते हैं ठीक है तो ये इसका सेंटिक्स होगा ठीक है अब ये इसका सेंटेक्स हो गया और यहां पर हम आके इसका एक फैक्ट्री कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे ठीक है फैक्ट्री और ये जो यूजर मॉडल है ये ठीक है इस तरह से यूजर मॉडल और इसके आप इन आ जाएंगे ओके इसके आप इन आ जाएंगे और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे ठीक है अब ये करने के बाद आपने क्या करना है इज इक्वल टू यहाँ पर इज इक्वल टू यूज करना है ठीक है एंड अंडरस्कोर और ये वाला जो यूजर मॉडल है इसकी स्पेलिंग आपने मिस्टेक पे इस तरह से कर देना ठीक है अभी देखिए आपके पास स्टिल एर आ रहे हैं कोई बात नहीं ये एरर्स ऑटोमेटिकली एकदम सॉल्व हो जाएंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इसके अंदर जो हमारे पास रिस्पॉन्स uh, आया था दैट वॉज एक एरर आया था और एक टोकन आया था ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे हमें पता है कि स्ट्रिंग है ठीक है सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हम स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे ओके और इसको नेम देंगे टोकन ओके और फिर दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे इसको हम टोकन नेम देंगे एरर ओके okay, अब ये तो हमारे पास आ गए अब यहां पर आप चाहें तो इनको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं मीन्स कि जब वैल्यू नल आएगी तो आप यहां पर इसको बताएं कि कौन सी वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट उठा लें तो ये स्ट्रिंग है तो मैं यहां पर इसको बाय डिफॉल्ट नल एम टी वैल्यू दे दूंगा ठीक है और यहां पर भी एम वैल्यू दे दूंगा इसका फायदा ये होगा कि मुझे नल चेक हैंडल नहीं करने पड़ेगा मैं एम चेक कर लूंगा ठीक है ये हो गया अब यहां पर एक और आपके पास की होती है उसको आप कह सकते हैं जेसन की ठीक है अब क्योंकि ये जो मॉडल इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कहां से आएगा एपीआई से आएगा ठीक है तो उसके लिए आपके पास को, आपको पता है कि ये जेसन की है ये की है ठीक है तो ये की हम इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें जेसन की है ओके okay, सो so हम जो मिस्टेक कर रहे थे वो ये था कि एट द रेट हम यहाँ पर लगाना भूल रहे थे ठीक है सो यहाँ पर जेसन की और इसमें आप इसको नेम प्रोवाइड करेंगे ठीक है सो आपके जो पेर आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें देखें ये आपका टोकन है थी? नेम ओके एंड अगेन इस सेम जेसन की को आप यहाँ से कॉपी करें ओके okay? और यहाँ पर आप आ जाए सॉरी uh, मेरा कोड आगे पीछे हो गया यहाँ पर आप आ जाए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें पेस्ट करने के बाद आपके पास ये जो है यह है एरर के लिए ठीक है तो हमें पता है ये एरर के लिए ठीक है देन अगेन आप इसका चाहते हैं कि टू टू जेसन एंड फ्रॉम जेसन जो है उसका कोड भी आपके पास यहाँ पर इसके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए ठीक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए तो वो भी बड़ा सिंपल है आपने इस सेंटेक्स को फॉलो करना होगा यूजर मॉडल ठीक है डॉट फ्रोम जेसन ओके एंड फ्रॉम जेसन में आपने इसको बताना होगा मैप करना है स्ट्रिंग ओके डायनामिक्स ओके और यहां से आपने इसको कर देना होगा कि ये जेसन डेटा है ओके एरो फंक्शन दिस वन ठीक है ये बिल्कुल ठीक है एंड देन आपने एट द रोड सॉरी ये वाला जो आपने कोड है यहां से आपने इसको दोबारा कर आप टाइप नहीं कर सकते यहां से आप इसको कॉपी कर लें ठीक है ताकि कोई मिस्टेक ना हो एंड देन आप यहां पर मेक श्योर sure करें कि स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक ना करें ठीक है यहां से आपने इसको कैपिटल में लिखना है फ्रॉम JSON, okay, और यहाँ पर आपने इसको जेसन पास कर देना है और that's it, ठीक है। अब आपने करना क्या है अब आपने यहाँ पर इसको ये जो आपने ऑलरेडी दो क्लासेस लिखी थी ना इम्पोर्ट क्या करना है सॉरी पार्ट ठीक है किसका यूजर मॉडल डॉट फ्रीज डॉट डॉट एंड देन आपने इसको अगेन पार्ट क्रिएट करना और आपने इसको कर देना यूजर यूजर मॉडल जी डॉट डॉट ठीक है अब आपने आ जाना है टर्मिनल में ओके okay, और टर्मिनल में आपको एक कमांड बताऊंगा जो कि आपने रन करनी है और आपके लिए वो कोड जनरेट कर देगा ठीक है और वो कमांड है ये आपने ये कमांड रन करनी है फ्लटर पैकेज पब रन बिल्ड रनर ठीक है ये वो बिल्ड रनर वाला जो पैकेज है जो कि में आपने किया था दिस वन बिल्ड रनर जेसन सीरियलाइजेशन ठीक है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा कोड जनरेट कर देता है और ये जो जेसन सीरियलाइजेशन है ये आपके लिए जेसन वाला जो कोड है उसको कर देता है ठीक है यहां पर देखें आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो यस मैं वन प्रेस कर दूंगा हो सकता है आपके पास ये ना आए तो आपने यहां इसको डिलीट कर देना है ठीक है और आपके लिए नया कोड जो है वो यहाँ पर आपके लिए जनरेट कर देगा ठीक है और ये मुझे बता रहा है कि नया वर्जन भी आ, यहाँ पर आ, आ चुका है तो हम नया वर्जन भी ऐड कर देंगे ठीक है तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पर जो एरर्स हैं वो चले गए हैं यस अब देखें यहाँ फ्रीज क्लास में आपके पास कोड आ गया और जी क्लास में भी आपके पास जो बॉयलर प्लेट बॉयलर प्लेट्स वाला जो कोड है वो आ चुका है और यहां से, okay से कंट्रोल वी प्रेस किया तो यहाँ से देखें ये एरर चला गया और ये हमारे पास यूजर जो मॉडल है बन चुका है अगर आप इस यूजर मॉडल को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी लॉग स्क्रीन पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप इसको कह दे इम्पोर्ट कर लें यूजर मॉडल यूजर मॉडल ठीक है इज इक्वल टू यूजर मॉडल तो यहां पर देखिए आपके पास आ चुका है और ये आपसे कुछ नहीं मांग रहा कंस्ट्रक्टर में बिकॉज यहां पर इसके पास बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ऑलरेडी हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से आप इस यूजर मॉडल हमारे पास क्रिएट हो गया और यहाँ यूजर मॉडल डॉट कॉम जिसमें आप यूज करना चाहते हैं तो वो सारे फंक्शन इसके पास आपके पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है लेकिन यहां पर मेक श्योर sure करें कि ये आपने इंक्लूड करने हैं बिफोर हिटिंग द कमांड जो मैंने आपको बताई है ठीक है तो यार ये यूजर मॉडल हमारा बन चुका है और ये देखें ये बहुत सिंपल है ठीक है आपको मेरा कोड ओके सो देखें ये सिंपल सा कोड आपने चार से पांच का कोड लिखना है थीके? और, और, तो और दोबारा से वही कमांड रन करेंगे तो आपके पास नया कोड जनरेट हो जाएगा और मेक श्योर sure करें कि ये क्लासेस आप जरूर क्रिएट करें और इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो ठीक है तो ये आपका यूजर मॉडल बन गया और अगर आप इसको खुद जनरेट करते हैं ना ठीक है लेट से आप इसका, एक और, इसका जो एक और मैथड है वो क्या है वो ये कि आप यहां से इसको कॉपी करें ओके कॉपी करने के बाद यहां पर आप आ जाएंगे और जेसन टू डाट आप लिखेंगे जेसन टू डार्ट या आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी जेवियर ओके एंड यहां पर आप इसको पेस्ट कर देंगे और आप इसको कहेंगे कि यूजर यूजर मॉडल ठीक है ये आपके लिए कोड को जनरेट कर देगा बट इस कोड में एक प्रॉब्लम है वो ये कि ये देखें ये आपके पास नल वैल्यूज नहीं हैंडल ये आपको नॉन नल लेवल है ठीक है आप इसको आप इसको नल मॉडिफाई बनाना पड़ेगा तो हमारे पास वहां पर अगर नल वैल्यूज ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है जो हम फ्री से क्रिएट करेंगे फर्स्ट थिंग सेकंड ये ये कोड आपके पास जनरेट हो गया वेल एंड गुड लेकिन आप यहाँ पर आप दो क्लासेस को चेक नहीं कर सकते यूजर मॉडल एक और यूजर इंस्टेंस के साथ आपने चेक करना हो इसमें इक्वालिटी ऑपरेटर वाला कोड नहीं है इसमें और टू स्ट्रिंग वाला कोड नहीं है ठीक है कॉपी विद फंक्शंस नहीं है वो आपको खुद लिखने पड़ेंगे तो वो जो हमने फ्री से मॉडल बनाया है उसमें ये सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक है और हम उनको आगे फ्यूचर में आपको यूज करना भी बताऊंगा कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो में इतना ही एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा मुझे लिंक पर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ऑल सो इन द नेक्स्ट वन